हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने स्टडी किया था परमाणु भार। अभी अपने कुछ तत्वों के परमाणु भार लिखते हैं, उनको आप कोशिश करना। जैसे तत्व एक से लेकर 20 तक के मैं परमाणु भार लिख रहा हूँ, आप कोशिश करना उनको याद करने की। और उसके बाद अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे अणु भार, और उसके बाद अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर के अंदर मोल। ये जो मोल का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोल जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ मोल, वो आपके ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों जगह यूज होता है। तो देखो कुछ तत्व लिखते हैं अपने एक से लेके 20 तक। एच, एच ई, एल आई, बी ई, बी सी, एन ओ, एफ एन ई, ये तत्व हो गए अपने एक से लेके 10 तक। और उसके बाद 11वां तत्व लिखते हैं अपने एन ए, एम जी, ए एल, एस आई, पी एस, सी एल, ए आर, के और सी ए। आपने अभी तक क्या करना है कि साथ में इनका जो परमाणु क्रमांक है वो याद कर लेना, और साथ में इनका जो परमाणु भार है वो याद कर लेना। परमाणु क्रमांक तो ये कंटिन्यू है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ 10 तक आ जाएगा, ये 11 नंबर है, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। तो इसको आप नोट कर लेना। मैं लिख रहा हूँ परमाणु भार, क्या लिख रहे हैं अपने, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। और जैसे जैसे यहाँ पर देखो अपने कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब भी अपने को कुछ याद हो जाएंगे, और ऐसे नहीं है कि आपको इनको बुरी तरह रटना पड़ेगा। आप धीरे धीरे इसमें जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। उसके बाद हीलियम का होता है 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। यहाँ तक जैसे अब ये जो अपने पढ़ने जा रहे हैं, आप सोचो कि ये लगभग क्या है, डबल है। क्या है ये, डबल। उसके बाद सिलिकन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का आप याद करना 35.5, आर्गन और जो पोटेशियम होता है इसका बराबर होता है 39 39, और कैल्शियम का 40। तो ये अपनों ने क्या लिख लिया, परमाणु भार लिख लिया अपनों ने सभी के, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ के जो परमाणु भार हैं ये यहाँ पर अपने परमाणु क्रमांक और लिखते हैं, परमाणु क्रमांक, और ये है तत्व, ये परमाणु क्रमांक, ये तत्व और ये परमाणु भार। क्रमांक कंटिन्यू चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसके बाद 11 12 13, यहाँ पे अलग है ये, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 और 20, ये अपनों ने टेबल बना ली। ये परमाणु क्रमांक, ये तत्व का प्रतीक, और ये उसका परमाणु भार। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, अणु भार की। किसकी बात करते हैं, अणु भार की। तो देखो जैसे कि अपने का लास्ट क्लास के अंदर अपने स्टडी किया था कि दो तत्वों के मिलने से अणु का निर्माण होता है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सेम तत्व हों तब तो उसको बोलेंगे अणु, अगर अलग अलग तत्व हों तो उसको यौगिक बोलेंगे। तो जो अपने अणु भार निकालेंगे वो किसका होगा, यौगिकों का, और जो अणु होंगे उनका एक जैसा ही होता है, तरीका निकालने का एक जैसा ही होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको H2O का अणु भार निकालना हो, H2O का क्या निकालना हो, अणु भार निकालना हो, तब आप क्या करोगे, इसके अंदर जितने तत्व हैं ना उनका परमाणु भार को प्लस कर दो। परमाणु भार को जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे क्या निकलता जाएगा, अणु भार। जैसे इसका निकालना पड़े, अगर आप कैसे निकालने का तरीका देखो, अपने 5-7 एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, ये लिस्ट है यहाँ से आप चेक कर सकते हो, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 * 1 कर लो, प्लस में यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? परमाणु भार 16। कितना आ गया अपना आंसर? 18। 18 ये इसका अणुभार हो गया, और इसको अपने किस में लिख सकते हैं? AMU। कल अपने लास्ट क्लास के अंदर अपने स्टडी किया था इसको कैसे लिखेंगे अपने AMU। अगर आपको जैसे नाइट्रोजन जो है वो गैस का निकालना पड़े, ये तो नाइट्रोजन जो है वो एक तत्व है, उसका परमाणु है, ये नाइट्रोजन के तत्व के एक परमाणु का भार है ये, ठीक है। अगर अपने को नाइट्रोजन गैस का निकालना पड़े तब अपने क्या करेंगे, 2 × एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 AMU। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कि आपने लगभग 10th के अंदर स्टडी किए हुए हैं। NaCl, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? एक Na है और एक क्या है? Cl है। तो दोनों का क्या करो? जोड़ दो। परमाणुओं की संख्या ये भी एक है, ये भी एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर Na का कितना है? ये रहा 23। और Cl का कितना होता है? Cl कहाँ है? ये रहा 35.5। 35.5, इसको आप 35 भी लिख के काउंट कर सकते हो। 35.5 लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58.5 AMU, ठीक है। और बात करते हैं अपने, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं अपने, H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो, जितने यहाँ पर परमाणु हैं और उनकी जितनी संख्या है उनको अपने क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे एक परमाणु का भार कितना होता है और उसको अपने क्या कर देंगे, जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। प्लस में सल्फर देखो आपको मिलेगा ये रहा, इसका कितना है? 32। प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु लगे हुए हैं यहाँ पर? 4 परमाणु लगे हुए हैं। कितने परमाणु लगे हुए हैं? 4। तो इसको किससे गुणा करेंगे? एक ऑक्सीजन का अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है? 16। तो आप इसको यहाँ से इसको गुणा कर दो और ये आंसर कितना आएगा? 2, 32 और 2, 34। और इसको कैलकुलेट करो आप, 2 + 32 + ये कितना हो गया? 64। इसको आप ऐड करते जाओ, कितना हो जाएगा? 4, 6, 8, 98। और क्या लिख दो? AMU, ठीक है। अब देखो ये किसका आ गया? H2SO4 का। अपने एक और निकाल लेते हैं, जैसे HNO3, ये भी एक अम्ल होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें जैसे जैसे परमाणु यहाँ पर अपने को मिलेंगे उसका परमाणु भार लिखो और जितने परमाणु हैं उनके साथ क्या करते जाओ, गुना करते जाओ इसको। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है ये चेक करो यहाँ पे, 16। तो इसको देख लो कितना हो जाएगा, 1 + 14 + 48। इसको ऐड कर दो, कितना जाएगा? 8, 12, 13, 4, 5 और 6, 63 AMU। तो इस प्रकार अपने और भी बहुत से तत्वों का जो अणुभार है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसके साथ कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं अपने, जो कि अपने आपको यूज होने वाले हैं। जैसे अपने तीनों अम्लों की बात कर लेते हैं। HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार होता है? 1। और क्लोरीन का मैंने कितना बताया अभी? 35.5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 36.5। तो ये देखो अपनों ने कई सारे एग्जांपल कर लिए। और एग्जांपल देखते हैं अपने एक आधा जो कि आपके यूज हो सकता है। जैसे आपने 10th के अंदर पढ़ा था Na2CO3। क्या पढ़ा था? Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पर? 2 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। N2 में यहाँ पर कितना सोडियम का, एक सोडियम का कितना होता है? 23। प्लस कार्बन का कितना होता है?
12 प्लस ऑक्सीजन का आप सीख गए 3 × 16 ऐड करो इसको, ये हो गया 46, ये हो गया 12 और ये हो गया 48, तो ये कितना हो गया 8 और 8 6 4 4 8 9 और ये हो गया 106। ऐड सही है क्या? 60 और हाँ 106, और इसके आप AMU लिख सकते हो। अब ये निकाला अपनों ने, क्या निकाला? अणुभार। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मोल। किसकी बात करते हैं? मोल की। तो देखो अभी मैं आपको परिभाषाएं वगैरह नहीं बता रहा, क्योंकि वो चीज़ें रटने की है, अपने को सिर्फ बातें समझनी हैं कि समझ के जितनी बात करेंगे अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और फिर अपने जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपने क्या कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, मोल। क्या? मोल। तो देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वन मोल क्या होता है, या उसकी क्वांटिटी पूछी जाए, तब अपने क्या करेंगे, अपने यही एग्जांपल यूज में लेने वाले हैं। तो देख लो, वन मोल, एक मोल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या करोगे? देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, ये अपनों ने जितने भी यहां पे आंसर निकाले हैं ये है अणुभार। क्या चीज है? अणुभार। मोल क्या होता है? अगर अपने किसी भी अणु का अणुभार निकाल लें और उस अणु के उतने ग्राम में ले लें उसको, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल जा रही है, बट थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं अपने इसको जब क्लियर करेंगे बहुत इजी हो जाएगा, बट जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा समझो आप। लैंग्वेज ये है कि किसी भी अणु का जितना अणुभार होता है, अगर उस वैल्यू को अपने ग्राम में ले लें, किस में ले लें? ग्राम में ले लें, तो वो जो वैल्यू होगी वो एक मोल के बराबर होगी। अभी एग्जांपल देखते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक मोल H2O कितना होता है, तो एक मोल H2O का आपको अणुभार पता है कितना होता है, अणुभार कितना होता है? 18। कितना है? 18। और मैंने आपको ये कहा कि 18 को अपने किस में लिख लें? ग्राम में। तो वो किसके बराबर होगा? एक मोल के बराबर। तो देखो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई एक मोल H2O कितना होता है, तब आप कितना बताओगे? 18 ग्राम। ठीक है, और एग्जांपल की बात करते हैं, अपने दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कंटिन्यू चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए एक मोल नाइट्रोजन कितना होता है, किसके बारे में पूछा जाए? एक मोल नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन का अणुभार कितना निकला था? 28। और 28 को किस में बदल लें? AMU की जगह अपनों ने क्या लिखना है? ग्राम। AMU की जगह अपने का क्या लिखना है? ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन जो होती है वो कितना होती है? एक मोल। अपने बात करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक मोल NaCl कितना होता है, तो NaCl का जो अणुभार है वो कितना है? 58.5। तो आपसे ये कहा जाए कि भाई एक मोल NaCl कितना होता है, तो अपने इसको कैसे लिखेंगे? 58.5 ग्राम। नेक्स्ट और एग्जांपल की बात करते हैं, आपसे ये पूछा जाए कि एक मोल H2SO4 कितना होता है, H2SO4 कितना होता है, तब आप इसको कितना बताओगे? H2SO4 का अणुभार कितना था? 98। तो AMU की जगह अपनों ने क्या लिखना है? 98 ग्राम। AMU की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? 98 ग्राम, और वो क्या होता है? मोल। देखो अगर आपसे ये पूछा जाए HNO3 कितना होता है, तब कितना बताओगे? HNO3 की वैल्यू कितनी आई थी? 63। तो 63 ग्राम HNO3 किसके बराबर होता है? एक मोल के बराबर। 63 ग्राम HNO3 किसके बराबर होता है? एक मोल के बराबर। और एग्जांपल देखते हैं अपने, आपसे ये पूछा जाए कि एक मोल HCl कितना होता है, तो कितना आया था? 36.5 ग्राम।
तो अगर अपने 36.5 ग्राम HCl लें तो वो कितना होगा, एक मोल। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, अपनों ने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो अणु हैं या अपने जो भी यौगिक हैं उनके उनको किस में बदल दिया, वन मोल में। कैसे बदला, कि अपने को पहले निकालना है उनका अणुभार। क्या निकालना है, अणुभार। अणुभार निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और जितना अणुभार होगा वो किसके बराबर होगा, एक मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक मोल के बराबर होगा। अब इसका भी देख लो, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक मोल सोडियम कार्बोनेट किसके बराबर होगा, तो वो कितना होता है, 106 ग्राम। अब देखो, अगर आपको एक मोल जो भी पदार्थ है उसकी वैल्यू पता चल गई, तब आप उसको कितना भी निकाल सकते हो। जैसे आपसे ये पूछा जाए, अगर ज़्यादा का पूछेगा आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताओ कि क्वेश्चन छोटा सा सिंपल सी बात करते हैं अपने, थ्री मोल H2O कितना होता है, तब आप क्या करोगे, आपको एक मोल H2O का पता है कितना होता है, 18 ग्राम। तो आप क्या करोगे, 3 × 18 और ग्राम, और इसको देख लो कितना होता है, 54 ग्राम जो है, 54 ग्राम H2O कितने के बराबर होता है, 3 मोल H2O। मतलब 3 मोल H2O की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 54 ग्राम। अब इसको कम कर लो, आधा कर लो। अगर आपसे ये पूछा जाए 0.5 मोल आपसे ये पूछा जाए कि 0.5 मोल H2SO4 कितना होता है, H2SO4 कितना होता है, 0.5 का मतलब क्या है, आधा है। तो उसको क्या कर दोगे, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू पूछी जाए तब तो आप क्या करोगे, उसको गुणा कर दोगे। अगर एक से कम वैल्यू पूछी जाए तो उसको भाग दे दोगे। जैसे 98 है, उसका आधा 0.5 कितना हो गया, आधा हो गया। तो 98 का आधा कितना हो गया, 49 ग्राम H2SO4 कितना होता है, 0.5 मोल के बराबर होता है। तो अब देखो, मोल क्या है, मोल है, अगर अपने ये जो एक मोल जो होता है इसके लिए एक अलग शब्द यूज करते हैं अपने, और वो यूज करते हैं मोलर द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या मोलर भार, मोलर भार। अब देखो, अपने पास ऐसी तीन वैल्यू पढ़ ली अपनों ने, सबसे पहले पढ़ा परमाणु भार, फिर क्या पढ़ा अपनों ने, अणु भार, और अब क्या है, ये मोलर भार है। इसका मतलब क्या है, मोलर भार का मतलब कितना होता है, कि एक मोल का भार जितना भार होता है किसी भी, देख से लिखते हैं अपने, किसी भी पदार्थ के एक मोल का भार क्या कहलाता है, मोलर भार कहलाता है। तो एक मोल मतलब, जैसे ये आपसे ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन का मोलर भार कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे, 28 ग्राम, और वो वैल्यू किसकी है, एक मोल की। तो चाहे तो एक मोल बोल लो चाहे मोलर भार बोल लो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर ही आएगी। अब ये जो मोलर भार है ये आया कहाँ से, ये आया किसी भी अणु के अणु भार को, देखो इसकी परिभाषा के लिखें अगर अपने, तो क्या होगा, किसी भी अणु के अणु भार को ग्राम में व्यक्त करें, किस में व्यक्त करें, ग्राम में अगर व्यक्त करें तो जो वैल्यू आएगी, तो जो संख्या होगी, संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर भार कहलाएगी। किसी भी अणु के अणुभार को, ये अपनों ने अणुभार लिखे थे, और उसको किस में व्यक्त कर दिया अपनों ने, ग्राम में व्यक्त करें तो जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर भार कहलाएगी। आज अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और कल नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।